मेरा नाम मेहदी हसन, मैं हैदराबाद का रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ और ऊपर वाले के कर्म से इस साल मेरा आईपीएल में सनराइजर टीम में हैदराबाद की सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे देखिए लंबी जर्नी रही है मेरी क्रिकेट की, उसमें मेरे साथ काफी कोचेस रहे हैं और अभी तक है पूरे कोचेस। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा कि MR बेग साहब का, जो कि बहुत ही हेल्प किए हैं मुझे और बहुत ही मेहनत की है वो मेरे पीछे, मेरे बॉलिंग एक्शन के फाइनर पॉइंट्स, मेरे बैटिंग ग्रिप के फाइनर पॉइंट्स, हमेशा वो उनके पास जाता हूँ मैं। कभी भी कुछ भी होता है तो एक ही सेशन में सब ठीक कर देते हैं। और फिर मेरे बचपन से मेरे सबसे पहले कोच, जो कि मेरे आज तक कोच है, अर्शद अयूब सर, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और इस साल ऑफ सीजन में मैं और अर्शद सर काफी मेहनत किए हैं मेरी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली, जो कि मेरे डैड, जो बचपन से लेकर आज तक मेरे को इतना कीनली वॉच करते, और बचपन में भी मैं जब स्कूल के मैचेस खेलता था तो मेरे को साथ लेकर जाते, और इतने बार ऐसा भी हुआ कि वो धूप में बैठकर देखते मैच मेरा, दिन भर कोई मैच मेरा मिस नहीं करते थे वो। तो उनका इतना सपोर्ट रहा है और वो इतना साथ दिया है मेरा, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे माँ जो कि बहुत ही इमोशनल है, तो उन्हों हर चीज पर इमोशनल हो जाते हैं, मगर इतना दुआ करते हैं मेरे लिए, इतना साथ देते हैं। मेरे भाई यहाँ सब, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, सब का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थे और नर्वस थे इस चीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सिलेक्शन, इतना यहाँ पर पॉपुलेशन रहने से इतने लोग खेलते हैं तो उतना कंपटीशन ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका मेहनत दूसरों से आपकी बढ़ के रहना चाहिए, ना कि बस मेहनत, और आपके अंदर काफी और चीजें होने चाहिए। आपका दिल होना चाहिए आपको खेलने के लिए, और आपकी, और आपको बस मेहनत ही नहीं, आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। तो जितने भी नौजवान देख रहे हैं वो दिल से मेहनत कीजिए, दिल से खेलिए, और बड़ी बड़ा सोचिए। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा आंसर मिलेगा आपको, अगर आपकी सोच बड़ी रहेगी तो आपका रिजल्ट भी बड़ा होगा। तो बड़ा सोचिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और मंजिल कभी भी दूर नहीं है। Congrats, एक मिनट रुकिए।